नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। जी न्यूज सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश महाराजगंज, जहाँ किसानों का सजमी माना जाता है, वहीं पर आज आग लगने के कारण लगभग लाखों का हुआ नुकसान। आइए जानते हैं विस्तार से पूरी खबरें। उत्तर प्रदेश जनपद महाराजगंज के आज हम खुडरी में उपस्थित है और यहाँ पे आग लगने से लगभग लाखों का हुआ नुकसान। 150 टाली लगभग भूसा हुआ जलकर राख। आइए हम जानते हैं, किसान से पूरी बात करते हैं कि किस किस तरीके से व्यवसाय करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। हम मिलते हैं किसान से। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? यस। ये बताइए कि किस तरीके से आप व्यवसाय करते हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, और कितने टाली का आपका वो भूसा था, क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ है? 150 टाली भूसा था। किस तरीके से आप व्यवसाय करते हैं? ट्रैक्टर से और घटे से। एक तरफ जहाँ किसान अपना कभी पूरे पूंजियों को लगा करके अपनी व्यवस्थाओं को आय व्यवस्था स्रोत बनाता है और पशुओं को भोजन के लिए, पशुओं के भोजन के लिए व्यवस्था बनाए रखता है, वहीं पे एक आग लगने के कारण लगभग 4 लाख का नुकसान हुआ है। 150 टाली भूसा जल कर हुआ राख। आइए हम जानते हैं पूरी खबरें और पूरी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरीके से यह भूसे को बेचते हैं और कितना इनका बेनिफिट होता है और क्या आज इतने नुकसान से क्या कहना चाहेंगे। कुंटल से बेचते हैं, 500-550 रुपए कुंटल पे। आज आपका इतना नुकसान हुआ है, आप सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं कि आपका क्या हो सकता है, सरकार क्या कर सकती है? सरकार कुछ मदद कर सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार, जहां योगी की शासन चल रही है और योगी किसानों के लिए एकदम मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, वहीं पर योगी के महाराजगंज जनपद के खुडरी ग्राम सभा में आग लगा हुआ है और किसान का लगभग हुआ 2 लाख से ऊपर का नुकसान। आइए हम जानते हैं फिर से पूरी बातों को देखने के, आपको देखने को मिल रहा है कि पूरा आग भूसा जल रहा है और किसान कितने कठिन परिश्रम से इतना मेहनत करता है और पूरी बातों को रखता है, रखने के बाद से वह 2 रुपए का आस करता है जिससे उसका जीवन यापन चल सके। आज उसी नुकसान के कारण किसान यह दुखी है और यह सरकार, यूपी सरकार से आग्रह करता, विनती करता है कि हमें कुछ काम मिल सके। हुआ है लगभग कई लाख का नुकसान हुआ है और हम ग्रामवासियों से पूछेंगे कि किस किस तरीके से व्यवसाय करते हैं, आज ग्रामीण के ऊपर क्या बीत रहा है। आप लोग के सहयोग से लगभग गांव पे आग पे काबू पाया गया है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे बहुत दुखद घटना है ये, और जिस तरह सरकार की पॉलिसी है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पराली को खेतों में न जलाया जाए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भूसा बनाने वालों का बहुत योगदान है, और ऐसे में इस किसान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो भी उचित मुआवजा हो 150 टाली भूसे का सरकार करे, ताकि किसान का मनोबल न टूटे और आगे भी पर्यावरण को बचाने में किसान सहयोग करता रहे। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह किसानों के लिए वादे पे वादे कर रही है और कार्य पूरा बहुमत तरीके से काम कर रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान एक आशा लगाकर यूपी सरकार से विनती कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि यूपी सरकार इनकी मदद करेगी? अभी तक तो सरकार जनता के अनुसार खरा उतरी है, अब देखते हैं इस घटना में सरकार क्या करती है, और ये मदद होना बहुत जरूरी है। अगर मदद होता है तो वास्तव में अगले चुनाव के साथ सारी जनता सरकार के साथ रहेगी। हम इस समय मौजूद है खुडरी में और हमारे साथ समस्त ग्रामवासी मौजूद हैं जिनके द्वारा आग पर काबू पाया गया है और आप आग पे काबू पाकर पूरे ग्राम सभा को सेफ बचाया गया है। हम इन लोग से पूरी जानकारी कोशिश करेंगे कि किस किस तरीके से उनके साथ सहयोग किया जाए। बताइए सर। जी बिल्कुल, इस टाइम दमकल्ला की जो गाड़ी है वो बिल्कुल टाइम से आ नहीं पाई है, इस बारे में योगी सरकार को सोचना चाहिए, टाइमली महाराजगंज जिले पे कम से कम गाड़ियों की, दमकल गाड़ी की व्यवस्था की जाए। समस्त ग्रामीणों का एक शिकायत है कि जो दमकल विभाग की जो अग्निशमन की गाड़ी होती है वह लेट आने के कारण कई किसानों का नुकसान हुआ है, इसके बारे में सरकार से ये लोग शिकायत कर रहे हैं कि वह समय से उनको निर्देशित करे कि आग लगने पर वह समय से गाड़ी पहुंचे जिससे किसानों का जो नुकसान हो बचने की